विधायक सुभाष पासी का जोरदार विरोध, पहले धमकी फिर गुंडई, समर्थक को आया क्रोध, आरोप लगे बहस हुआ, जज्बातों पर लगा चोट। शायदपुर के विधायक सुभाष पासी का जोरदार विरोध हुआ है और ये विरोध किसी और ने नहीं, यह विरोध समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने किया है। इस विरोध में खूब जमकर बहस हुई और बहस में गुंडागर्दी और धमकी के आरोप भी लगे। सैदपुर के विधायक सुभाष पासी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग सुभाष पासी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके विरोध को देखकर सुभाष पासी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और इनसे बात करना शुरू कर देते हैं। बात बहस में बदल जाती है। ऐसे में सुभाष पासी के साथ एक उनका समर्थक भी गाड़ी से उतरता है और वो बहस के साथ धमकी भी देने लगता है और गुंडई पर उतारू हो जाता है। लेकिन हम जनप्रतिनिधि का विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। वो हमारे जनप्रतिनिधि के, हम लोग उनको मानते थे, हमने वोट दिया, उनको जिताया और आज तक सुनिए पहले हमारी बात। आज तक जो भी था या आप रहे हैं हमारे गाँव में, हमारे यहाँ पे आप आते जाते देखिए कितनी समस्या होती है, नाली की, चक्रोट की, रास्ते की। 5 साल इसके पहले कोई भी नहीं है। जब मौका मिलेगा तो भी विरोध होगा, हम लोग भी जाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जो करना है आप तो करिए, हम लोग समाजवादी हैं, डरने वाले किसी से नहीं है। इनको जो करना है अगर समाजवादी पार्टी से जिसे टिकट मिलेगा, अगर घूमने के लिए क्षेत्र में आएगा, तुम लोग तो मुर्दाबाद कर रहे हो ना, हम तो गड़िये घुमा देंगे। गड़िया में घुमाइए, गोली चलवा दीजिए, आपकी सरकार है, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन हमारे यहाँ आप जिस तरीके से गुंडई से बात कर रहे हैं, पहले तमीज सीख लीजिए बात करने का। कैसे कह रहे हैं आपके लिए हम गड़िया घुमा देंगे? नहीं, उम्र की बात छोड़िए। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब सैदपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उनके काफिले को काला झंडा दिखाया गया था। इस काला झंडा दिखाने वालों में विधायक सुभाष पासी के प्रतिनिधि आशु दुबे का नाम भी आया था। पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही वीडियो है जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले को काला झंडा दिखाया जा रहा है। सैदपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद और सुभाष पासी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले इस घटना पर सुभाष पासी से अपना भारत टाइम्स ने एक इंटरव्यू किया था, सुनिए। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हमें और आपको। मुख्यमंत्री के काफिले पर, उनके गाड़ियों पर पैम्फलेट फेंके जाते हैं, उनको काला झंडा दिखाया जाता है, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? ये चूक प्रशासन की है। आशु दुबे कौन है जो आरोप लगाया गया जिन लोगों के ऊपर, तो उसमें से एक आशु दुबे है। आशु दुबे मेरा प्रतिनिधि है। जब मेरा प्रतिनिधि, बगल में मेरा कार्यालय है, मेरे कार्यालय पे वहाँ के SO और वहाँ के पुलिस अधिकारी मेरे कार्यालय पे बैठे थे और बैठ करके उन लोगों ने मेरे से फोन पे बात भी की। मैं बोला कार्यक्रम अच्छी तरह से होना चाहिए और नजर बंद करके मेरा प्रतिनिधि कार्यालय में बैठा है, पुलिस की निगरानी में बैठा है और तीन लड़के ये कहाँ से आकर के वहाँ गए और इस तरह की वारदात हुई। दोपहर तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, शाम को पता चल रहा है कि इसमें आशु दुबे का हाथ है, आशु दुबे ने बुलाया था ऐसा करने के लिए।
सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 75,000 से ज्यादा दलित वोट बैंक है और करीब 70,000 के आसपास यादव वोट बैंक है। उसी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक बने सुभाष पासी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दामन थामने के बाद उनका स्वागत जनपद गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हुआ। समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद विधायक सुभाष पासी जनपद गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर पहुंचते हैं। वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। सुभाष पासी के साथ उनकी पत्नी रीना पासी भी मौजूद रहती हैं। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। सुभाष पासी के स्वागत कार्यक्रम में गाजीपुर के MLC विशाल सिंह चंचल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक बन चुके सुभाष पासी ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। विधायक सुभाष पासी की बहस जिन लोगों से हो रही है, यदि इन बातों को आप ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा बात ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सुभाष पासी ने रामकरण दादा के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया। हीरा यादव को मैंने ब्लॉक प्रमुख जी के लिए मैंने सपोर्ट किया तो मैंने गलत किया? वो यादव नहीं था। आपको रामकरण दादा का या रामकरण दादा ने एक मिनट रामकरण दादा की बात कर रहे हो? रामकरण दादा अनौनी बाजार में छूटे थे आपके प्रचार के लिए। रामकरण दादा अनौनी बाजार में बीमार थे? बीमार थे, बीमार थे। एक मिनट, उनका मैंने इलाज कराया 92,00,000 रुपया लगा के। सुनिए, कराए उनके नाती को आप हरा दिए। मैंने क्या हरा दिया? आप मेरे पास आए, मेरे पास आप आए कि उसको टिकट दिलाने? आप इसका मतलब एक बार मैंने कुछ नहीं किया, टिकट दुख नहीं है? मेरे को कोई नहीं निकाला है, मैं खुद निकल गया हूँ इस्तीफा देके, मुझे कोई निकाला नहीं है। अब इस बहस में एक सबसे बड़ा मोड़ सामने आ गया, जहां सुभाष पासी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा। विधायक जी, पूरे बूथ का आप पहले से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सुनिए, क्या थोड़ा ना वोट देता समाजवादी पार्टी की देता है? अखिलेश का मुंह देख के वोट दिया है? अखिलेश का मुंह देख के वोट हमने आपको दिया? हाँ, तो मैं कुछ कहा आपका तब तक कोई नहीं विरोध किया। आपने मुझे विधायक बनाया, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आपने कभी ये पूछा कि कभी आपने पूछा कि मैं क्यों आया? तो आपको बताना चाहिए ना जनता से, आप बताइए, आए हैं तो बताइए। आप चौपाल लगवाते, आप अगर संतुष्ट नहीं थे पार्टी से, एक चौपाल लगवाते। पार्टी की बात जी अभी भी मेरे दिल में है, मेरी बात आप सुन लीजिए। वो हमेशा रहेंगे दिल में रहेंगे। आपको रोज रोज यदि अपमानित मैं करूंगा या मैं आपको रोज अपमानित करूंगा, हम कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? पहले सुन तो लीजिए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधायक बने सुभाष पासी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और MLC विशाल सिंह चंचल ने उनका भव्य स्वागत भी किया। खैर, उनका सैदपुर में विरोध भी हुआ। देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सैदपुर में चुनावी गणित क्या रहता है और सुभाष पासी किस तरह का कमाल कर पाते हैं। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। धन्यवाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट लाजवाब मिठाइयों के साथ स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में। महुआबाद, गाजीपुर।